हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी बच्चों में इसको दिक्कत रहती है, इसमें काफ़ी लैंग्वेज लिखनी होती है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बट इजी उतना ही है। इस चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि इजी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको समझाऊँगा ना, पक्की बात है रट जाएगा क्वेश्चन। बोर्ड में भी अगर आ गया ना, भाई को याद करोगे, इस बात की गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया था, मैं सामने फिर रख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको ये वाला। शॉर्ट एट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ क्यू, 6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर क्यू इज एनी सम इंटीजर। ये आपने मेरी पिछली वीडियो उसमें देखा ही होगा, क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। तो ये कुछ उससे मिलता जुलता है, उसमें मैंने 2 लाइन आपको कहा था रट लो, आगे काम आएंगी। वो इसलिए ही कहा था क्योंकि वो यहाँ काम आएंगी। तो मैंने लिखवाई थी लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको फिर मैंने बताया था बी भी लेना, एंड बी इक्वल्स टू जो कॉमन दिख जाए। ये आपको अब तक समझ आना चाहिए, आशा करता हूँ अभी क्या होगा उस वीडियो को देख के। दोनों में कॉमन क्या है, वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर आगे बढ़ना। मैं बता रहा हूँ इन दोनों में जैसे 3 कॉमन है, 3m 3m, तो b इक्वल्स टू 3 होगा। अगर आपने बिल्कुल सही सोचा है 3, तो बहुत बड़े आप बधाई के पात्र हैं। आपके लिए मिठाइयाँ मंगवाई जाएँ और आप खुद खा लिए जाएँ अपने परिवार के साथ, नोट अकेले अकेले। सॉरी मजाक कर रहा था। तो a इक्वल्स टू 3q+r हो गया। सिंपली हमने b की वैल्यू यहाँ रख दिया, जैसे कि इक्वल्स टू BQ+R था तो b की जगह 3 रख दिया, बस और कुछ नहीं है। r मे बी नाम ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 0, 1, 2 बिकॉज क्यों है r, 0, 1, 2 क्यों है। एक कंडीशन है 0 के इक्वल होगा r और उससे बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा। समझे बात को क्या कहना चाह रहे हैं। 1 0 होएगा, 1 होएगा, 2 होएगा, 3 नहीं होएगा। सॉरी जरा कैमरा हिल गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो 0, 1, 2 आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपली वही प्रोसेस है बट इसमें क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो ठीक से, यूज इक्वली डिवीजन लेमा टू शो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। दो ही फॉर्म होनी चाहिए, या तो 3m या 3m+1 फॉर सम इंटीजर क्यू। क्यों नहीं लिखा m, जो भी है एनी, ये तो वेरिएबल वाली बात है, कुछ भी ले लेते हैं। ए इक्वल्स टू 3q ले लिया हमने, 0 है ना तो +0 लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं, 3q ले लिया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, पक्की बात है ऐसा जुगाड़ बता रहा हूँ, बिल्कुल याद रखोगे। दो लाइनें याद रखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी क्या होगा जो दोनों कॉमन होगा, ए इक्वल्स टू 3q+r, आर क्या क्या होएगा, इससे छोटा ले लो बी से जो भी है, 0, 1, 2 ठीक है जी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर ये भी कंडीशन याद ना रहे ना तो सीधे समझ लो 3 नहीं लेना, इससे छोटे लेने हैं। आगे 4 आया तो 1, 2, 3 ले लो, 0, 1, 2, 3, 2 आया तो 0, 1 ले लो, बस इससे छोटा लेना है, इसका नहीं लेना और 0 जरूर लेना, ये भी याद रखना। क्यों कभी आप सोचो कि 0 नहीं ले रहे। अब ए इक्वल्स टू 3 क्यू, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 9q² ठीक है। अब इसमें छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वेरिएबल तो है m, यहाँ पर आया हमारा क्यू स्क्वायर, ऐसा क्यों भैया, और चाहिए हमें 3, तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, 3, 3 जा 9, 3 और क्यू स्क्वायर, 3q² को लेट कर लो m, तो क्या बचा 3m। इसको हमने m लेट करा ना 3q² को, 3 × 3 9q², तो बचा 3m। सिंपली समझ गए, बहुत ईजी था। एक और करते हैं, अभी करने तो अभी काफ़ी हैं। 0 ले लिया, अब इक्वल्स टू 3q+1, होल स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, कर लिया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ए स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो मैं फिर भी लिख देता हूँ। ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको डिटेल में हर चीज़ पता लग जाए, कोई दिक्कत ना रहे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है ना। 3 × 3 = 9, 9q² प्लस का 1 का 1 ही रहेगा, और 3 × 2 = 6, 6q हो जाएगा। ए स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने दो, 9 और 6 को एक साथ लिख लो, दिख नहीं रहा, अभी करते हैं आपका इंतजाम, अब बहुत अच्छे से देख रहा होगा। 6q² + 1 ठीक है जी।
अब 9Q² + 6Q² में से 3 कॉमन ले लो तो बचा 3Q² + 2Q² 1 का ऐसे रहने दो, लेट कर लो इसे m, 3m+1 हो गया, ठीक है जी, 3m1+ हो गया। अब इस पर आ जाओ नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। अब ले लेते हैं आगे, हमने ले लिया 3Q+1, अब 3Q+2 a = 2, 3Q+2, ठीक है जी, वही स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल इजी है, टेंशन मत लो, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। यह जो लाइक कैसा प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए ही बनाया है उन जैसों के लिए जिनसे ये नहीं हो पाता, उनको मैथ में दिक्कत है, सोशल स्टडीज़ में दिक्कत है, जिसमें भी दिक्कत है, बिल्कुल जुगाड़ी आदमी हूँ मैं भैया, बहुत ही, मैंने खुद ही इस तरीके से स्टडी करी है। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, इसमें से 3 कैसे कॉमन लें, ये भी जुगाड़ बताएंगे आपको, टेंशन का ही ले रहे हो, हम क्यों बैठे हैं। 3+1 = 4 होता है कि नहीं, आया मजा सुन के, 3+1 ले लो और क्या, बस अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, इन तीनों में से, ये हो गया 3Q² + 1 + 4Q + 1 था ही था बार, समझ आया ना क्यों, मैंने इसे लिखा नहीं यहाँ पर, लेट कर लो इसे m, तो हो गया 3m+1, ठीक है जी, हो गया। अब आप एक चीज़ सोचो, हमने आज तीनों चीज़ ली, 0, 1, 2 ली, हमारा 3m+1 आया या फिर हमारा आया 3m, और हमने क्वेश्चन में क्या चाहिए, आइदर ऑफ दी फॉर्म ऑफ 3m हो या 3m+1 हो, ठीक है, यही क्वेश्चन था। आप चाहते हो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको बस एक लाइन लिख लिया, लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, बी जो भी दोनों में कॉमन हो वो ले लो, और उससे हमेशा छोटा लो, 0 0 ऐड कर लो, 0, 1, 2, ठीक है जी। फिर उसके बाद ए ले लो और उसके साथ एक एक लेते रहो, अगर एक लाइन जोड़नी है जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए हो जाएगा 3Q, 3Q+1, 3Q+2, बस ये भी जोड़ना है तो जोड़ लो, कोई दिक्कत ना है, कोई मास्टर कोई भी नंबर ना कटे, इस बात को हम बैठे हैं, हमें आके कमेंट करो हाँ भैया नंबर कटे तुम्हारे कहने से, इतना लिख लिया लेकिन लिखना ऐसे ही है फिर भैया के नाम पे बिल फट जा कभी, स्क्वायरिंग करो, ये निकालो, ऐसे करो, फिर स्क्वायरिंग करो, फिर निकालो, इसको 3+1 कर दो 4 को, और क्वेश्चन हो गया। पर एंड में वही लिखना है, आपको पहले भी बताया था, फिर उसे बता देते हैं, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है जी, सो डैट लिखो, अपना कहानी ख़त्म करो, और अपने भैया साइन मास्टर को दिखा के आंसर ऐसे लिख कर आ जाए करो, जिनका नाम ऐसे है वो तो बहुत बढ़िया बात, मेरे को कमेंट में बताओ किस किस का नाम ऐसे है, ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।